दंतेवाड़े के बार अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट से पधारे वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित प्रबुद्ध जनों, हम सब बात तो करते हैं लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है, जब एक भाई और बहन के बीच विवाद होता है और दूसरे भाई से कहा जाता है कि उस विवाद को हल कर दो, तो वो भाई चाहता है कि मैं विवाद को नहीं हल करूं, क्योंकि मैं विवाद को हल करूंगा तो कहीं भाई के पक्ष में फैसला जाएगा तो बहन मुझसे दुखी हो जाएगी, और बहन के पक्ष में फैसला जाएगा तो भाई मुझसे दुखी हो जाएगा। और यह बात, यह चीज हमें घर पल करनी होती है। मैं न्यायाधीश क्या कहता है, न्यायालय के क्या सुखद पहलू है, यह बताना चाहता हूं। एक शायद ये दो लाइन से मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। हम तो बात करते हैं बंदियों की, हम तो बात करते हैं हर उस पीड़ित व्यक्ति की, लेकिन जानते हैं हम न्यायाधीश हैं। कहते हैं हमारा वर्ग डिवाइन वर्ग है, ईश्वर के बाद अगर कोई न्याय करता है तो न्यायाधीश। हमारी अकाउंटेबिलिटी किसी पक्षकार के प्रति नहीं, अगर होती है तो सिर्फ उस विधाता के प्रति। तब क्या व्यक्तियों के बारे में हमें नहीं सोचना है? ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि वह पीड़ित व्यक्ति के बारे में न्यायालय या न्यायाधीश नहीं सोचे। मैं आपको न्यायालय के एक और सतर्क पहलू बताता हूँ। 23/11/2013 को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत हुआ, पेंडा रोड जो नेशनल इफेक्टेड एरिया है, जो पहुंच विहीन मामले एरिया है, वहां पर 446 क्लेम के मामले हैं। लोगों को यह भी नहीं मालूम कि एक्सीडेंट होने पर क्लेम मिलता है। वहां पर हमने एक ही दिन में उस राष्ट्रीय लोक अदालत में 7% टोटल मामले को निराकृत किए, 31 मामले का निराकरण किया और 50 लाख रुपए का हमने अवार्ड किया। तो क्या हमारा ये सुखद पहलू नहीं है? न्यायाधीश संवेदनशील होता है। अरे इंसान में संवेदनाएं ना हो तो इंसान कहलाने का हकदार हो ही नहीं सकता, लेकिन उसकी अपनी पीड़ा होती है, उसे सबको सुनना होता है। हमारे जब गवाह उपस्थित नहीं होते, हमारे जब डॉक्टर उपस्थित नहीं होते, तो जो मैं करता हूँ वो मैं मानता हूँ सारे न्यायाधीश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक्स डॉक्टर की हमको जरूरत है, हम सारे केसेस में लिस्ट बनवाते हैं और ढूंढते हैं वो एक्स डॉक्टर किस किस डेट में कहाँ कहाँ आने वाला है, किस किस प्रकरण में उसकी जरूरत है। और हम अपने बहुत से पल कोर्ट समय होने के बाद, कोर्ट के समाप्त होने के बाद, हम उसके बाद उसमें विवेचन करते हैं और उन डॉक्टरों को कोशिश करते हैं, उन विवेचकों को कोशिश करते हैं कि हम उसको बुलाएं और सारे मामले में हम उसका निपटारा कर दें। हम शाम होने के बाद, ऐसा नहीं है कि हमारा जो कार्य है वो खत्म हो जाता है, शाम होते होते ही तो हमारा वर्ग शुरू होता है। और हम चाहे आप माने या ना माने, कई बार 16 से 18 घंटे तक काम करते हैं, उसी का नतीजा है कि हम पेंडा रोड जैसी जगह में, दंतेवाड़ा जैसी जगह में हर मुलजिमों से सुनते हैं। वो हमसे कहते हैं कि हमें अधिवक्ता तो मिला ही नहीं, तो बताइए कि हम अधिवक्ताओं को ये कहें कि क्यों नहीं मिले, हमारी कोशिश होती है हम अधिवक्ता को उस मुलजिम से मिला दें। हमें प्रश्न का हल प्रश्न नहीं ढूंढना है, हमें प्रश्न का हल ढूंढना है। और इसके लिए न्यायालय जो कर रही है वो अपनी ओर से जो उसकी सीमाएं हैं, जो उसके पास जो उपलब्धियां हैं, जो उसके संसाधन हैं, उससे वो बहुत अधिक कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे देश की प्रजातंत्र, जो विश्व में सबसे बड़ा है। आज हमारे देश में प्रजातंत्र है तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, और हमें नाज होना चाहिए अपनी न्यायपालिका में, जो इतने संवेदनशील होने है कि वो एक छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति की बात को सुनता है, जेलों में जाता है, जो काम दूसरे विभाग को करना चाहिए वो सारे काम हमारे न्यायाधीश इतने बोझों, इतने वर्कलोड होने के बावजूद कर रहा है। तो क्या ये हमारी
सुखद पहलू नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरी ये कोशिश है कि हम अभी जो वर्क कर रहे हैं वो हम लोगों को न्याय देने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे देश की अस्मिता बची रहे और हमारे इस इंस्टीट्यूशन में, न्यायपालिका में जो हमारा मंदिर है जिसे हम मंदिर की तरह पूजते हैं, लोगों की आस्था बनी रहे। विलंब का कोई कारण सिर्फ न्यायाधीश नहीं है, ये आपको सोचना होगा। थैंक यू। आदरणीय श्री साका साहब के साथ जब उद्बोधन के पश्चात मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधीक्षक श्री अर्जुन सिंह नाथ साहब को। श्री नाथ साहब लगभग 24-25 वर्षों से विधि व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत हैं और वे बस्तर संभाग के ऐसे पहले अधिवक्ता हैं जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ सुश्री सुधा भारद्वाज जी को। जैसे कि मुझे बताया गया है सुश्री भारद्वाज जी समाज के गरीब कमजोर तबकों की लड़ाई हाई कोर्ट में सदैव लड़ती रहती है और उनका पक्ष मान्य न्यायालय समय पर स्वीकार सदन तत्पर रहती है। इसके अलावा मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरुण ठाकुर साहब को। अब मैं आदरणीय साहब से निवेदन करता हूँ कि वे आए और अपने अनुभवों का निचोड़ हमारे सामने प्रस्तुत करें। न्यायमूर्ति आदरणीय जिला सत्र न्यायाधीश पांडे जी, आदरणीय सांकला जी एवं आदरणीय गंडावीर जी वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, समस्त सम्माननीय न्यायाधीश अधिवक्ता बंधु एवं हमारे साथ, मैं ये बहुत ही समस्या को कठिनाइयों को तो बोलना बहुत आसान है, सजेशन देना वो लगता है बहुत ही कठिन विषय है। मैं एक अधिवक्ता से हमारे मॉडरेटर विक्रमादित्य झा ने बताया कि मैं अधिवक्ता के साथ साथ में मैं एक गैर शासकीय संस्था का सदस्य हूँ, अगर संस्था है लीव जिसका फुल फॉर्म लीगल एंड एनवायरमेंटल एक्शन फाउंडेशन। संस्था के द्वारा हम लोगों ने लीगल लिटरेसी के काम उन गांव अंचलों में जहाँ पर कानून की भाषा भी कोई नहीं जानता वहां पर गांव में जाकर के उनको उनके दैनिक जीवन में जो काम आने वाली छोटी छोटी बातों को जाकर के बताने की कोशिश करते हैं, साथ में अपने पर्यावरण को अपने इर्द गिर्द की वातावरण को कैसे स्वच्छ और रखा जाए इस संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जहां तक सुझाव की बात है हम जाकर के ये व्यवसाय के साथ साथ में गांव में जब जाते हैं तो हमको ये अनुभव हुआ है कि बहुत ही कटु अनुभव है कि आज भी हमारे बस्तर के ग्रामीण लोग और खास करके आदिवासी आज से 2-3 सदियों के पूर्व की उस स्तर पे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी सोच आज भी उस 200 साल के पहले का सोच बना हुआ है। हमें उनके पास जाने पर ये कानूनी बातें जब हम रखते हैं तो उनके दिमाग से ऊपर चल जाता है कि ये क्या बोल रहा है वो की आकर। अभी इस बात पर हम चर्चा करने की सुझाव के लिए तय ये है कि विधिक
सहायता मेरे समझ में कि दो किस्म की सहायता जो विधि के रूप में किया जाता है। पहली बात है कि विधि सहायता बोल देने से ये जो गरीब लोग आ करके उनको आने जाने की पैसे की वकील फीस देने की ये बातें जो शासन की ओर से किया जा रहा है और जहां तक हो रहा है उसमें एक एक बिंदु पर मैं बात करूं तो जितना वो कार्य होना चाहिए था शासन की तरफ से या न्यायपालिका की ओर से वो इतना नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी प्रचार प्रसार इतना नहीं है गांव वाले गांव के लोगों को विधिक सहायता किस तरीके से मिलना है कहां जाना चाहिए ये किस्म के न्यायपालिका के ऊपर में डाल दिया गया है। न्यायाधीशगण और अधिवक्तागण अपने अपने कर्तव्य के प्रति जहां तक वो दे रहे हैं किंतु शासन को भी अन्य स्कीम कर अन्य योजनाओं पर जिस तरीके से प्रसार प्रसार होना चाहिए वो गांव तक के लेवल पर पहुंचने के लिए और ज्यादा की आवश्यकता है। यदि दूसरी बात यह है कि विधिक साक्षरता जो है वो विधिक सहायता में जो विधिक साक्षरता है इसमें ये देखा जा रहा है कि जो न्यायपालिका के द्वारा जो विधिक साक्षरता या विधिक सहायता में जो लोगों को नियुक्त किया जाता है इसमें ऐसे लोग जो वहां की लोकल बोली नहीं समझ पाने जा वो जाकर के वो कानूनी बड़े बड़े मुद्दों पर बात करते हैं और उस मुद्दे को वो समझ नहीं पाते उस बातों को गांव वाले नहीं समझ पाते। एक मैं आप ये बताना चाहूं कि बस्तर के आदिवासियों दो किस्म के न्यायिक व्यवस्था पर जूझ रहा है आज बस्तर का काम। उनकी खुद की ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम है उनकी सामाजिक व्यवस्था अलग है जहां पर कोई अपराध होता है उस गांव के लेवल पर उनका निराकरण किया जाता है। उस जुडिशरी उस ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम को वो व्यक्ति अपने बचपन से देखते अपने बाप दादी के समय से वो करते हुए आते जाते और वो समझता है कि मेरा ये जुडिशरी सिस्टम बहुत अच्छा है मुझे जगदलपुर जैसा वो भीड़ भर में उस कोर्ट काले कोर्ट और उस जज के सामने जा करके मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब गांव का आदमी आता है तो वो देखता है कि काले कोर्ट के लोगों को और उस जज को जहां पे ऊंचे पे बैठे रहता है वो जा करके उसको अगर उस गवाह के उसमें भी वो